Good morning my dear students this is Neeraj Kumar your english teacher today i am here to teach you chapter number 9 from class 7th that is a bicycle in good repair i hope you will be listening to me very carefully here i start please pay attention my dear students at the very starting i would like to tell you the meaning of the title of the story that is a bicycle in good repair that means

दी बाईसिल शुड बी इन गुड कंडीशन वो साइकिल एक अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए इफ पॉसिबल अगर हो सके तो अनएक्सपोर्ट मकैनिक शुड ओवर हॉल्टेड देर मस्ट बी अ वेरी एक्सपोर्ट मकैनिक हु कैन रिपेयर दिस मीन्स बिफोर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रिप with the help of bicycle you must consult you must go to a very expert mechanic and get it repaired but what happens kya hu agar the machine has a will of its own and the machine knows next to nothing I mean mechanic knows next to nothing kya hu agar means देर इज अ प्रॉब्लम एंड देट इज आउट ऑफ रीच ऑफ द मकैनिक देन व्हाट टू डू अगर कोई साइकिल में ऐसी प्रॉब्लम हो कि उस मकैनिक को भी ना समझ में आए देन वट टू डू लेटस कंटिन्यू आ मैन आई न्यू प्रपोज वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अलॉन्ग बाइसिकल राइड टूगैदर ऑन द फॉलोइंग डे सो ऑथर स्टार्ट्स हियर दिस इज स्टोरी एंड ही सेज दैट कि वो एक इंसान को जानता है हु केम टू हिम जो उसके पास आया था ही इवन ही प्रपोज्ड हिम उसने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा उसको उसको एक उसके मीन्स हैविंग अ प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ हिम one evening and it was and it was evening time we should go for a long bicycle ride hame chalna ek trip par, ek long bicycle ride par together ek on the following day means that means the next day i mean एंड आई एग रीड आई गोट रेडी ऑथर सेज ऑथर ने कहा कि वो तैयार हो गया उसके साथ जाने के लिए आई गोट अप अर्ली फॉर मी आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज विद माई सेल्फ सो एज आई न्यू दैट द नेक्स्ट डे आई हैड टू गो फॉर आ बाइसकल राइडिंग सो आई गोट अप अर्ली मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था आई मेड एन एफर्ट मैंने पूरी कोशिश की एंड वॉज़ प्लीज विद माई सेल्फ और काफ़ी खुश था इस चीज़ को लेके। ही केम हाफ एन आवर लेट द टाइम दैट वॉज डिसाइडेड ही केम हाफ़ एन आवर लेट जो टाइम रखा गया था वो आधा घंटा लेट आया आई वॉज़ वेटिंग फॉर हिम मैं उसका इंतज़ार कर रहा था इन द गार्डन अपने बगीचे में अपने गार्डन में इट वॉज अ लवली डे बहुत ही खूबसूरत दिन था वो ही सेड उसने मुझसे कहा दैट इज अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स मीन्स हैविंग सीन माई हैविंग सीन माई बायसिकल ही अटर्ड दैट यू रिली हैव गोट अ वेरी गुड बायसिकल आपके गुड लुकिंग मशीन यू हैव गोट कि तुम्हारे पास जो बायसिकल है दैट सीम्स वेरी गुड दैट सीम्स वेरी गुड लुकिंग हाउ डज इट रन कैसी चलती है ये ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम जैसे बाकी की साइकिल्स चलती है उन्हीं की तरह चलती है आई आंसर्ड मैंने उसको जवाब दे दिया इजली इनफ इन द मॉर्निंग गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच सो ही कंटिन्यूज सेइंग When it is morning time, starting of the day, so it moves smoothly. But when it is lunch time, so it becomes harder. Little harder. Now continue. He caught hold of it by the front wheel and the fork. एंड शुक इट वायलेंटली ही गोट वेरी क्लोज टू माई बाईसइकिल वो काफी नजदीक मेरे बाईसाइकिल के आ गया था एंड हॉल्ड ऑफ इट उसको पकड़ लिया बाय द फ्रंट व्हील फ्रंट व्हील से पकड़ लिया उसको राइट एंड शुक इट वेरी वायलेंटली और उसको बड़ी वायलेंटली मैनर लेसली बींग इलमेनरड तो बींग इन इलमेनर्ड होकर मेरी जो बाइसिकल थी उसको वो शेक करने लगा उसको मूव करने लगा वायलेंटली आई सेड मैंने कहा डू नॉट डू दैट यू विल हार्ट इट कि ऐसा मत करो इससे तो मेरी बाइसिकल का नुकसान हो जाएगा प्रॉब्लम वुड अकर इन टू इट i did not see why he should shake it mujatu I really failed to understand why he was doing so it had not it had not done anything to him besides if it wanted so it had it had not done anything to him तो मेरी जो बाइसिकल थी उसमें कोई खराबी नहीं आई उसे कुछ हुआ नहीं और मेरी बाइसिकल ने भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। माई बाइसिकल डिड नाट हम एनी हम एनी थिंग टू हिम इफ इट वॉन्टेड लेट्स कंटिन्यू तो उसने कहा अगर इसे शेकिंग की ज़रूरत होती इफ इट वॉन्टेड शेकिंग यहाँ पर ऑथर बोल रहा है कि अगर इसको जरूरत है इफ इट नीड्स रिपेयरिंग इफ इट नीड्स शेकिंग आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट तो मैंने उससे कहा कि तो इट इज माई प्रॉपर्टी इट इज माई एसेट्स आई आई विल डू इट आई विल शेक इट यू आर नॉट सपोज टू डू सो यू आर नॉट सपोज टू शेक इट वायलेंटली तो तुम्हें नहीं करना चाहिए ऐसा

और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे डॉग को मीन्स एज इफ ही हैड बीन बीटिंग माई डॉग एज इफ ही हैड बीन बीटिंग माई डॉग ही सेट उसने कहा दिस फ्रंट व्हील वोबल्स ये जो फ्रंट व्हील है इट हैज गुड प्रॉब्लम्स इट वोबल्स वोबल का मतलब होता है मूव अनस्टीडली फ्रॉम साइड टू साइड मीन्स डगमगा कर चलना लड़खड़ा कर चलना आई सेट मैंने कहा इट डज नॉट इफ यू डू नॉट वोबल इट कि इसमें कोई खराब न, खराबी नहीं है देर इज नो प्रॉब्लम इन इट और ये वॉबलिंग बिल्कुल नहीं करेगी इट विल नॉट डू वॉबलिंग इफ यू स्टॉप इट अगर तुम इसे शेक करना बंद कर दोगे इट डिड नॉट वोबल ये तो बिल्कुल भी वोबल नहीं करती थी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वोबल तो आप इसे वोबलिंग नहीं कह सकते एंड दिस इज माय प्रॉपर्टी दिस इज माय एसेट्स एंड आई नो क्वाइट वेल अबाउट इट दैट इट डज़ नॉट वोबल ये वोबल बिल्कुल नहीं करती है दैट्स फैक्ट दैट्स राइट दैट्स ट्रू So, my dear students, enough for the day. The rest part of this will be taken next time. Thank you very much.